बिहार में राहें जुदा कर चुकी जेडीयू और बीजेपी के बीच छींटाकशी का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में जहां 50 सीटों पर समेटने की बात कही है, तो अब इसी पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी का दावा है कि नीतीश कुमार भी बहुत जल्द ही लालू प्रसाद यादव की तरह जेल में होंगे। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर नीतीश कुमार पर हमला बोला है और उनका कहना है कि वो भी बहुत जल्द आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तरह जेल में होंगे। पहले आप विजय कुमार सिन्हा का पूरा बयान सुन लीजिए। ये लोग कुल एक दूसरे को गलबहियां कर करके एक मंच पर खड़ा हो रहे हैं, लेकिन लाल किले से जो शंखनाद हुआ है भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाने का, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने का, अपराध मुक्त, वो अभियान नहीं रुकेगा। मां भारती का हर संतान अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण बनाने के लिए संकल्पित होगा और तब इनको आभास होगा कि हमने जो पाप किया है उसकी सजा, उसकी परिणति यही होगी कि बड़े भाई के निकट छोटे भाई भी जाएंगे, जहां बड़े भाई पहुंचे हुए। विजय सिन्हा ने नीतीश कुमार पर साफ तौर पर निशाना साधा है और कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का ऐलान कर दिया है। देश के लोग भारत को भ्रष्टाचार मुक्त और राज्य को अपराध मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। नीतीश कुमार को अब अपने पापों का पता चलेगा और इसका परिणाम ये होगा कि वो भी अपने बड़े भाई यानी लालू प्रसाद यादव की तरह जेल में पहुंच जाएंगे। इसके बाद से राजनीति तेज है, हालांकि नीतीश कुमार ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। पटना से रोहित कुमार सिंह की रिपोर्ट, बिहार।